नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसका जो पहली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, इस एडिशन रिएक्शन का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे आगे की जो सेकंड प्रकार की एडिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको समझते हैं, किन कार्बनिक यौगिकों में ये अभिक्रिया होती है। तो जनरली अनसैचुरेटेड जो एल्कीन और एल्काइन है उनके ऊपर कोई रिएक्टेंट यदि इस टाइप से योग करता है, अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट, तो सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा ए और बी, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये जो आपका पाई बॉन्ड था वो कन्वर्ट इनटू टू सिग्मा बॉन्ड। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन कहेंगे। इस एडिशन रिएक्शन की यदि हम मैकेनिज्म लिखेंगे और मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमिनेशन स्टेप आएगा वेग निर्धारक पद, उसमें यदि इलेक्ट्रोफाइल का एड हो रहा है तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ये रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मैं रिएक्टेंट ए बी की जगह पर जैसे सपोज करते हैं कि हम HCl या HBr इसका योग करवाते हैं, तो एक जगह पे H योग हो जाएगा, एक जगह पे आपका Br योग हो जाएगा। अब यदि इस रिएक्शन को और ज़्यादा स्पेसिफाई करते हैं तो हम यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं लेकर के एसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा पाई बॉन्ड टूट करके, एक जगह पे H जुड़ेगा, एक जगह पे Br जुड़ेगा। तो इसकी मैकेनिज्म को चेक करते हैं कि ये किस टाइप से, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या अदर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट ये बनेगा, अभी मैकेनिज्म से पता लगेगा हमें, तो हम इसकी मैकेनिज्म को चेक करते हैं कि किस टाइप से मैकेनिज्म होगी। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके हम दो पाथ ले सकते हैं, H का भी योग करा सकते हैं और Br का भी योग करा सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है, तो इसका तो वास्तव में सही सिस्टम है उसी को ही हम लेते हैं। और सही सिस्टम में H प्लस का योग कराते हैं, H प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल का योग होगा। यहाँ हम दो प्रकार से इस योग को देख सकते हैं, मान लीजिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इस टाइप में शिफ्ट होता है तो ये आपका पथ नंबर एक मान सकते हैं, या दो मान सकते हैं, और यदि ये इधर माने तो अगला पथ मान सकते हैं। जैसे ये पथ फर्स्ट है और ये आपका पाथ सेकंड है, तो पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग यदि H प्लस का योग होगा तो आपके जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसा बनेगा CH3 CH CH2। पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन इस पे जाएंगे ये नेगेटिव बनेगा, इस पे H जुड़ जाएगा और ये CH2 है वो पॉजिटिव बनेगा, तो कार्बो कैटाइन बन जाएगा। ये कार्बो कैटाइन 1 डिग्री कार्बो कैटाइन है ये। अब यदि पाथ सेकंड के अकॉर्डिंग होती है, इस रिएक्शन का पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड में यदि हम ऐसे माने पाई इलेक्ट्रॉन को उधर जाना CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे तो ये कार्बन बनेगा नेगेटिव, इस पे H
पॉजिटिव जुड़ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दोनों इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इस इंटरमीडिएट में क्या रिएक्शन पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगी या रिएक्शन पाथ सेकंड के अकॉर्डिंग होगी, तो इसको चेक करने के लिए इन इंटरमीडिएट की हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है उसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अधिक होती है, 1 डिग्री की कम होती है। तो ये मोर स्टेबल लेगा, मोर स्टेबल, और ये आपका लेस स्टेबल लेगा। तो लेस स्टेबल वाले में रिएक्शन नहीं होगी, तो ये पाथ जो फर्स्ट है वो रिएक्शन अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, रिएक्शन पाथ सेकंड के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये पाथ जो फर्स्ट है ये गलत हो जाएगा, पाथ सेकंड है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं रिएक्शन के जो स्टेप है, इसमें फर्स्ट स्टेप में ये इसको मैं स्टेप फर्स्ट कह दिया, आगे जो आपका होगा इसको मैं स्टेप सेकंड कह रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में, स्टेप फर्स्ट में हमने H प्लस का योग किया तो स्टेप सेकंड में Br माइनस का योग होगा। Br माइनस का योग करेंगे और प्रोडक्ट आपका CH3 CH CH2 H और यहाँ पे Br कार्बोकेटाइन जिस पे है कार्बन पे उस पे Br माइनस का ऐड हो जाएगा। इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट। तो रिएक्शन आपके इस पाथ के अकॉर्डिंग से हो रही है, पाथ सेकंड के अकॉर्डिंग से हो रही है। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट स्टेप में H प्लस जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं वो ऐड हो रहा है, और सेकंड स्टेप में Br माइनस जिसको कि न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं वो ऐड हो रहा है। तो इन दोनों स्टेप में चूंकि यहाँ पे ये आयोनिक अभिक्रिया है इसलिए फास्ट होगी, तो ये स्टेप सेकंड आपका फास्ट रहेगा और स्टेप जो फर्स्ट है उसमें ये अनसेचुरेटेड से आपका आयोनिक स्पीशीज बन रही है तो ये स्लो स्टेप में होगा, ये स्लो स्टेप होगा। और इस स्लो स्टेप को ही हम रेट निर्धारक पद कहेंगे, रेट निर्धारक पद या रेट डिटरमिनेशन स्टेप, RDS रेट डिटरमिनेशन स्टेप। रेट डिटरमिनेशन स्टेप ये हो जाएगा। इस रेट डिटरमिनेशन स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह देंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की यदि डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगी, ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनने की जो रिएक्शन है या कह सकते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन है, यदि उसके RDS स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन हो रही है इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, एक ये जो रिएक्शन हो रही है इस एल्कीन की, इस एल्कीन के लिए क्या यही प्रोडक्ट बनेगा, इससे दूसरे वाला जो प्रोडक्ट है जैसे कि प्रोडक्ट ये मानते हैं कि CHH और CH2 या माइनस का ऐड करा करके ये बना दें, तो ये प्रोडक्ट बनेगा या ये प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके लिए भी स्पष्टीकरण पूछ लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट बना है मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना है, ये मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं बना, एंटी मार्कोनिकोफ रूल में। तो यहाँ ये स्पष्टीकरण यदि कहें तो हम ये ए और ये बी दो हम ये इंटरमीडिएट मान सकते हैं कि इंटरमीडिएट ए और इंटरमीडिएट बी बनता है। इंटरमीडिएट बी मोर स्टेबल है इसलिए रिएक्शन इस पाथ के अकॉर्डिंग से होगी, इंटरमीडिएट ए लेस स्टेबल है इसलिए रिएक्शन इस पाथ के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोडक्ट बनने को मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं, मार्कोनिकोफ रूल। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि मार्कोनिकोफ रूल क्या है और इसको समझाइए या इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो मार्कोनिकोफ रूल
एल्किन या एल्काइन में लगता है अनसैचुरेटेड में, और एडिशन जो रिएक्शन होती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, उसके अंदर लगता है, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वही मार्कोनिकोव रूल है। तो इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ये एक सिमेट्रिकल एल्किन नहीं लेकर के एसिमेट्रिकल एल्किन ली गई है। इस एसिमेट्रिकल एल्किन से ये एडिशन प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे ये एच का जो योग हो रहा है, इसी को मार्कोनिकोव नियम से ऐसे समझ सकते हैं कि एसिमेट्रिकल एल्किन पर एच बी आर यानी पोलर कोई भी कंपाउंड है उसका यदि योग होता है तो उसमें से एच प्लस, जिसको कि हम इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल या एच प्लस का योग सर्वदा वही होगा जहां कार्बन की संख्या पहले से ही अधिक हो। तो यहाँ कार्बन दो क्या हाइड्रोजन की संख्या जिस पर पहले से ही अधिक हो, तो इस कार्बन पे होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या दो है इस कार्बन के पास में, और इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या एक है, तो यहाँ पे एच का योग नहीं होगा बल्कि बी आर माइनस का योग होगा। अथवा दूसरे पैटर्न से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एसिमेट्रिकल एल्किन पर जब कोई पोलर का योग होता है तो उसमें बी आर माइनस को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का योग उस कार्बन पे होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग से भी हम इस रूल को समझ सकते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी हम इस रूल को समझ सकते हैं, या फिर हम इस रूल को इस अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि यदि एसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पर आपका कोई भी पोलर HCl, HBr और HI जिनको कि हम हाइड्रोजन हैलाइड कह रहे हैं, उस हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन का योग वही होता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक होती है, तो इस नियम को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का यदि मैं एनर्जी डायग्राम बनाता हूं तो आपके एनर्जी डायग्राम इस टाइप से आ जाएगा। ये इस टाइप से आप एनर्जी ले सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। इस साइड में आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले सकते हो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट है, आर की एनर्जी ले सकते हैं, ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी लेंगे, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो है ये इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, और ये इंटरमीडिएट इस रिएक्टेंट की बजाय अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी अधिक होगी, यहाँ इंटरमीडिएट हो जाएगा इंटरमीडिएट, और इसके बाद में प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है वो सैचुरेटेड प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी इसकी बजाय कुछ कम होगी, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्टेंट से आईएम में नहीं कन्वर्ट होकर के इसमें कन्वर्ट नहीं होती है, रिएक्शन आपके इस टाइप से चलेगी कि ऐसे। तो एक टीएस आएगा TS1, और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 2, ये ट्रांजिशन स्टेट है। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, पहले TS आएगा, ट्रांजिशन स्टेट 1 आएगी। ट्रांजिशन स्टेट 1 में ये पाई बॉन्ड टूटता हुआ और H प्लस जो है वो ऐड होता हुआ प्रदर्शित होगा, वो TS आ जाएगी, और IM आपका ये V जो है वो है, और इसके बाद में TS2 में यहाँ जो बनेगा वो ये बॉन्ड BR वाला ये जो है वो इस प्रकार से जुड़ता हुआ प्रदर्शित होगा, और ये आपका प्रोडक्ट ये जो है वो ये बन जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन जितने स्टेप में होती है उतने ही इस प्रकार के आपके आएंगे। यदि रिएक्शन डायरेक्ट एक स्टेप में होती है तो इस प्रकार से आएगा, रिएक्शन टू स्टेप में होती है तो ये एक बीच में इंटरमीडिएट का खड्डा हो रहेगा, थ्री स्टेप में आएगा तो फिर ये खड्डा हो रहा जाएगा, और अधिक स्टेप में आएंगे तो और अधिक खड्डे आएंगे, तो N-1 जो खड्डा है वो आपका बनेगा, जो कि मिनिमम एनर्जी वाला एक इंटरमीडिएट बन रहा है वो है। थैंक्स।